कोर्ट के आलोक में हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप इस चुनाव को रोक दीजिए, दो महीना आप देख लीजिए, दो महीना में आपको ये चुनाव हो जाएगा। मतलब नमस्कार, आप देख रहे हैं SSI ट्यूब, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। वैसे भी चर्चा अभी बहुत ही जोरों शोर से चल रही है, पटना नगर निगम चुनाव मामला चर्चा है, तमाम बिंदुओं पर इनसे बात करते हैं। काफ़ी जोर शोर से चल रही है पूरे बिहार में, दो चरण के चुनाव होने वाले थे 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए सरकार कुछ जल्दीबाजी कर रही है, कुछ डर रही है? नहीं, जल्दीबाजी का तो कोई बात ही नहीं है। सरकार तो हमेशा संवैधानिक स्तर पर कार्य करती रही है, और ये जो एक नया प्रोपेगंडा बाजार में आ गया कि रातों रात का गठन हो गया, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी ने हमेशा अति पिछड़ों के लिए कार्य किया है, और अति पिछड़ों को वो हमेशा आगे बढ़ाने के लिए सभी सरकारी योजनाओं में लोगों को आरक्षण देने का भी कार्य किया है। तो अभी जो नया एक मुद्दा सामने आ गया कि सुप्रीम कोर्ट के आलोक में हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप इस चुनाव को रोक दीजिए, क्योंकि आपने अभी ट्रिपल बेंच टेस्ट नहीं किया है सही से, और आपने आरक्षण को बढ़ा के दे दिया है। तो सरकार को निश्चित तौर पे ये सोचने के लिए मजबूर किया कि कहाँ बढ़ गई और कहाँ घट गई। सरकार ने तो विधि सम्मति कार्य किया था, उसी के आधार पे सरकार इसकी तैयारी पहले से कर रही थी, क्योंकि 10 तारीख को चुनाव होना था और 4 तारीख को ये हाईकोर्ट का आदेश आ गया था, तो उसके आधार पर सरकार तैयारी कर रही थी। कोई रातों रात आयोग की गठन नहीं की गई है, ये पहले से हम लोग इसमें लगे हुए थे। एक सवाल और है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया तो पूरे देश के जहाँ जहाँ राज्य, जहाँ नगर निकाय हुआ, नगर पालिका का चुनाव हुआ, उन्होंने फॉलो किया। MP अगर मध्य प्रदेश देखिएगा तो वहाँ भी किया है, तो बिहार सरकार ने ऐसा क्या हो गया है कि उनकी बात को भी अवहेलना कर दिया? देखिए, बिहार सरकार, हमने पहले ही कहा कि ये हमेशा विधि सम्मत ही कार्य करेगी, और हम लोग कोर्ट के बात को सम्मान करते हैं। कोर्ट को हम लोग, न्यायपालिका को हमेशा एक संवैधानिक जो प्रावधान है उसका सम्मान करते हैं। उसी के तहत आप पीछे में भी चले जाइए तो कुछ ऐसा आदेश आने के बावजूद भी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था, लेकिन बिहार सरकार ने कहा कि ठीक है, अगर कोर्ट ने आदेश किया है तो हम आयोग गठन करके इस कार्य को करेंगे। और उसी के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ उसको हम लोग मान भी रहे और उसी के आधार पर कार्य भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है चुनाव का कब तक? ये अभी जो हम लोग अति पिछड़ा आयोग का गठन भी हो गया, सरकार तो तत्पर है। सरकार रातों रात तो आप कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते, जो कि हम लोग पहले से प्रावधान में 4 तारीख को जो आदेश आया था उसके बाद से हम लोग लग गए थे 4, और अभी आज के डेट में 21 यानी कि 17 दिनों का जो गैप है उसमें हम लोग शुरुआत पहले ही कर दिए थे, क्योंकि चयन की प्रक्रिया जो होती है उसके तहत होती है। रातों रात थोड़ी ना किसी को चलते आदमी को किसी को बना दिया जाता है, तो अति पिछड़े समाज के लोग उसमें हैं, उन लोगों को ये अधिकार दिया गया है कि आप अतिशीघ्र अपने स्थानों का और अपने क्षेत्रों का और अपने जनसंख्याओं का, जहाँ राजनीतिक पिछड़ेपन है, जहाँ आर्थिक पिछड़ेपन है, वैसे एरियाओं का चयन करके वहाँ पे आयोग अपना काम करेगी। और निश्चित तौर पे दो महीना आप देख लीजिए, दो महीना में आपको ये चुनाव हो जाएगा, मतलब दिसंबर अंत में हो या जनवरी के शुरुआत में ये नगर निकाय का चुनाव होगा। सरकार घबरा रही है? देखिए, ये सरकार घबराती अगर तो सरकार अपने आप को सरेंडर कर देती, सरकार घबराती नहीं है। ये सामने विपक्षियों को घबराने का काम करती है कि तुम घबराओ, मैं विधि सम्मत कार्य करूंगा। पटना जिला के मुख्य प्रवक्ता थे। पटना नगर निगम चुनाव में वैसे भी आप देखिएगा तो कभी टाला जाता है, कभी कैंसिल होता है, और हाई कोर्ट का आदेश का पालन करना है, आयोग का गठन, सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि ये पटना नगर निगम का चुनाव कब होगा। तमाम मुद्दों पर इनसे हम गहन बात किए। अब देखना है पटना नगर निगम का चुनाव कब होता है। SSI 2 आप देखते रहिए। जय।